अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? आज हम लोग गांव जाएंगे और गांव में जाते साथ एक दो काम है वो करके उसके बाद मतलब जगह जगह पे फिरते रहेंगे, ठीक है? तो बहुत जल्दी हमारा यूँ चांस बन गया था जाने का, तो मिलते हैं अभी गांव में क्योंकि सारे अभी जाने लगे, ठीक है जी। चेक कर सकते हैं अभी हम लोग ना हजरों की तरफ आ गए हैं हसनैन के साथ। तो भाई अभी चप्पलों वाले शॉप पर चलते हैं, हसनैन भी अपने लिए ले लेगा, मैं भी ले लूँगा, तो देखते हैं दोनों एक जैसे ले लेते हैं, तो अल्लाह करे हमारी पसंद की चीज़ हो जाए, बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो बाकी ये कि अभी अगरों आ गए हैं, काफ़ी गर्मी भी है साथ, लेकिन काफ़ी मज़ा भी आता है गांव के इलाके रह के। तो दूसरे ये कि अभी थोड़ी देर तक फिर चलते हैं आगे, कहीं खाने पीने में जाएंगे तो आपको साथ साथ दिखाते रहेंगे सारा कुछ। साहब अभी हमारी चाट आ गई, छोले वाली प्लेट आ गई है, बल्कि इधर देख सकते हैं क्या कुछ इन्होंने डाला हुआ है। इन्होंने मीठे चावल डाले हैं, छोले डाले हैं, चटनी डाली है, ठीक है चावल डाले मीठे सब कुछ डाला हुआ है। अभी भाई खाने में टेस्ट बता देते हैं। अभी आप लोग गुजर ही गए थे तो स्नैन कहते हो रेफर जी क्या कहते हो जाए फिर, मैंने कहा क्या हो जाए, तो सामने हमने ये देख के मैंने कहा वादे रहती हो जाए फिर चल करते हैं, पहले मीठे से शुरू करते हैं जी। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मैं क्या तू चांस मांगी आगे नाइस। कैसे हैं स्नैन? मज़ेदार बहुत मज़े हैं यार। तो जी ये चेक कर सकते हैं 14 अगस्त के अभी 3 दिन रह गए हैं और इधर हजरों में भी 14 अगस्त की तैयारियां हो रही हैं, तो मैं समझ वाक एंड कर दूँ सही लेवल ही हुआ है ना, क्योंकि हर दुकानों में बहुत ज़्यादा है, बस्ती पूरा भरा हुआ है। तो 14 अगस्त का भी ब्लॉग बनाएंगे, टेंशन ना लें, कभी A1 ब्लॉग बनेगा। अभी हम अदरों के छोले छोले खा के आ गए हैं, बड़ा मज़ा आया, तो अभी हम आगे चलते हैं, तो आगे आगे देखते रहते हैं, मुझे तो बहुत मज़ा आता है यार ऐसी चीज़ें। तो जी गर्मी बहुत तेज़ है यार, और अभी हम लोग बैंक गए थे तो उधर ही ऐसे थोड़ा बहुत लगा हुआ था, तो उधर ही बैठे रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था, तो ठंडा ठंडा मौसम था, दोपहर जैसे ही निकले वॉक थी बड़ा यार। और बाकी चप्पल छप्पल ले लिए, थोड़ा सा आगे जाते फिर आपको चप्पल दिखाते हैं किस तरह, दोनों ने सेम ही ली जी। हम लोग आ गए हैं बड़े मज़े की जगह पे पिज़्ज़ा खाने, तो अभी चलते हैं ऊपर की तरफ। तो जी अभी स्नैन ने बड़े मज़े की बात कर दी, पहली सीढ़ियाँ देखते हैं, इसमें चढ़ते चढ़ते भूख लग जाती है, और जब उतरता है बंदा तो यहाँ पे फिर तब तक बंदे का हज़म हो जाता है। अब इन्होंने एक्वेरियम बहुत अच्छा बनाया हुआ है, लेकिन इन्होंने मछलियाँ डाली नहीं है कि इन्होंने गलत की है। तो भाई साहब अभी हम लोग यहाँ पे बैठ गए हैं और वहाँ पे हमने पिज़्ज़े का बोला है, लेकिन वो कह रहे हैं 1.5 घंटा लगेगा, तो स्नैन कहते क्या करना है, मैंने कहा कि भाई हम वेले लोग हैं, आप अपना बताओ, आप अपने घर के हिसाब देख लो ना, तो अगर जितनी इजाज़त है तो हम लोग इधर बैठ सकते हैं, नहीं है तो कोई मसले नहीं, चल जाएंगे किधर रोड चल जाएंगे। तो स्नैन कहते कोई नहीं, आइए बैठते हैं इधर ही बैठ सकते हैं, तो बस अभी इधर बैठे हुए हैं, अभी बस साथ साथ आराम कर, पंखे पंखे लगे हुए हैं, AC वगैरह लगा हुआ है, लेकिन कुछ फर्क नहीं पा रहा। तो दूसरा भी है कि अभी बस थोड़ा सा बैठते हैं, अलग अलग जल्दी जल्दी आ जाए फिर इंशाअल्लाह अगले गाँव चलेंगे। तो जी उस टाइम से टैक्सियाँ चेक चेक की गुजारा कर रहे हैं, तो अभी तक नहीं आया, काफ़ी टाइम हो गया यार, पेट में चूहे दौड़े हैं, स्नैन के भी पेट में चूहे दौड़े हैं, मेरा भी यही हाल है, तो इसी से गुजारा कर रहे हैं। तो स्नैन आपको कैसा लग रहा है यार? बस समझ नहीं आ रही है। ओ मोटू पतलू कार्टून में वो जो मोटू कहता है खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं चलती, वही हाल है अभी यहाँ पे। 3 hours later तो जी काफ़ी टाइम के बाद पिज़्ज़ा आई है।
अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो इतना घंटा पौना घंटे इंतजार करने के बाद आई ये सफर, तो ये कोई इसकी लोग है जब कर सकते हैं नाम रावल। अच्छा ये तो अभी इनका ना खाने में टेस्ट वगैरह बता देते हैं कि किस तरह टेस्ट एंड कर चुके। तो इधर तो मैंने गांव में कभी पिज़्ज़ा वगैरह उस तरह नहीं खाया, बाकी सारे उधर ही खाए, इधर कभी देख लेते हैं कहते हैं इनको काफ़ी अच्छी टेस्ट है। तो अभी हम भी ट्राई कर लेते हैं जी। यार बहुत मज़े के और साथ स्पाइसी भी बहुत है, लेकिन बेटर स्पाइसी चीज़ बहुत अच्छी लगती है, मज़े का बहुत है। ये तो वाकई हजम भी हो गया। तो भाई साहब अभी हम लोग घर से निकल गए हैं दोबारा से, तो पीछे आप देख सकते हैं आमिर आ रहे हैं। तो हमारे कज़न है अभी, इनको ही रात को हम एयरपोर्ट से लेने गए थे। तो बाकी इसका दूसरा भाई है वो अभी नींद में सोया हुआ है, काफ़ी थकावट है उसकी, कल से अभी तक थकावट नहीं उतरी अभी तक। उसे कल व्लॉग में लाएंगे उसे इंशाल्लाह, नहीं रात को व्लॉग में लेकर आएंगे या फिर कल व्लॉग में लेकर आएंगे, लेकिन लेकर ज़रूर आएंगे। उस बेचारे को चलाना नहीं आता, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे जैसे देर आप अल्लाह खैर करे। तो बस अभी दुआ यही है कि आराम से फोन से हम तीनों पहुँचे। तो बस अभी जा रहे हैं, बस जाते जा रहे हैं, मेरा तो पेट फुल होया हुआ है, लेकिन ये है कि वो कह रहा था कि कहीं बाहर चलते हैं, तो उसके लिए निकल आए यार। मैंने माशाल्लाह से बाइक भी सीख ली है, तो बाकी अभी इधर जूस वगैरह पीने आए हैं क्योंकि गर्मी इतनी है कि मैं बता नहीं सकता। दूसरे ये कि यार बहुत तेज़ गर्मी है और यहाँ पे जनरेटर लगा हुआ है, घर में वैसे जनरेटर तंग होते हैं, इधर भी जनरेटर लग गए। वही मिल्के आ गए हैं तीन केले के हमें। पाकिस्तान आके कैसा लग रहा है? गर्मी गर्मी लग रही है भाई, पाकिस्तान आए हैं तो ये कुछ तो सहना पड़ेगा। तो भाई जी हम लोगों ने मिल्क शेक पी लिया, काफ़ी मज़ा आ गया। तो हमें आया है, काफ़ी इसको गर्मी लग रही है, इसको तो नहीं मुझे इससे ज़्यादा लग रही होगी मेरे ख्याल से। धूप चेक कर सकते हो, ओए होए तप्पी होई धूप है, ओए होए इधर बंदा अंडा फेंके भैंस पाल रहा होगा, ऐसा लगा मेरा मजाक। बाकी इन्होंने बाइक वगैरह साफ कर ली, चलो जी चलते हैं। दरख्तों में दवाई नहीं लगाई? नहीं हाँ, जरा सोच तरफ करोगे तो वो पीले कमरूद लगे हुए। चेक कर असल करे आप कीड़े ना हो इसमें।
भाई साहब अभी हम लोग ना रात का तो इस तरह सीन मिस हुआ था, हमारा तो नहीं हुआ था, आप लोगों का मिस हुआ था। तो वो इस तरह था कि मेरी गलती थी, तो मोबाइल में ना चार्जिंग ना डेड हो गई थी। अब ये है कि जैसे ही फिर पावर ऑफ हो हुआ था, चार्जर भी गाढ़ा है और किस्मत ऐसी ख़राब है चार्जर भी नहीं था, नया चार्जर लिए फ़ौरन, इधर आके चार्जिंग भी लगाया था, हल्के पुल के वीडियो जो बनानी थी बनाई है। तो अभी दोबारा हम लोग हज़रों की तरफ निकलने वाले हैं, तो ये बाइक खड़ा हुआ है, बासी जैसे ही आता है तो फिर निकलते हैं सीधा हज़रों की तरफ, और इधर एक दो काम है, उसके बाद इंशाल्लाह चलते हैं हसनैन लोगों की तरफ। अभी मैं जिस गाँव आया हूँ ये है मलकमाला, और साथ ही शीन का और वो सामने बैडमिंटन खेल रहे हैं। उधर बहुत मज़ा आया है जी, काफ़ी रात तक मज़ा आया, जितना बैठो कम था, मतलब टाइम बार बार पास होते ही जा रहा था, बड़ा मज़ा आया उधर भी। तो जी अभी हम लोग उसी जगह पर आ गए हैं, तो बासिस ऊपर चले गए ऑलरेडी और हम दोबारा जाने वाले हैं, और पिज़्ज़ा शिज़्ज़ा लेकर घर चलते हैं और उधर खाएंगे, ठीक है यार। अभी उस जगह से आ गए हैं, इधर नमाज पढ़ने, हमने कहा नमाज भी पढ़ लें, नमाज क्योंकि ज़रूरी है। ऑर्डर ला के भी गाड़ लेकर चलते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, तो उम्मीद है आपको हमारे कज़नों के साथ मिलके बहुत अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह अभी होटल जाने लगे हैं अटक वाले होटल, तो उधर का भी सारा सीन दिखाएंगे, बाकी एक दो और जगह कढ़ाइयाँ खाएंगे तो सारा को दिखाते हैं, ठीक है। गांव का यही मज़ा होता है। अभी दोस्तों हमें यहाँ तक इजाज़त दें, तो मिलते हैं आप नेक्स्ट व्लॉग पर। नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह कल ही आएगा, आज मैं बना लूँगा तो कल अपलोड कर लूँगा, क्योंकि अगर दोनों साथ कर लिया तो बहुत लंबा व्लॉग बन जाएगा, ठीक है। तो इजाज़त है अपने भाई को, अल्लाह हाफिज़।